तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक इजिएस्ट रेड फार्म इन माइनक्राफ्ट 1.20 जो कि पॉकेट एडिशन, जावा एडिशन, बेडरॉक एडिशन तीनों में काम करेगा। और भाई ये जो फार्म की मटेरियल लिस्ट है भाई वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। और भाई इसके अलावा आपको जो है इस वाले फार्म को एक प्लेन्स बायोम के अंदर बनाना है। इसके अलावा भाई एक और चीज़ याद रखना कि ये जो फार्म है भाई ये किसी भी विलेज से 150 ब्लॉक्स दूर बनना चाहिए। और गाइस ये दो पॉइंट तुम्हें भाई याद रखने पड़ेंगे, अगर तुमने इन दोनों को भाई अगर नहीं करा फॉलो तो भाई तुम्हारा फार्म शायद से गड़बड़ी भी कर सकता है। और भाई तीसरा पॉइंट जो कि कंपलसरी नहीं है, तुम लोग ट्राई करना कि इस वाले फार्म को किसी प्लेजर आउटपोस्ट के ही पास में बनाओ। अगर प्लेजर आउटपोस्ट के पास बनाना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं यार, तुम लोग इसे सिंपली किसी प्लेन्स बायोम में बना दो। तो भाई सबसे पहले आपको प्लेन्स बायोम में आते यहाँ पे 10x10 का स्क्वायर डिक करना है जो कि भाई 6 ब्लॉक डीप होगा। ये पूरा स्क्वायर डिग होती भाई कुछ इस टाइप का लगेगा जो कि तुम्हें दिख भी रहा है विद मेजरमेंट्स। अब गाइस तुम्हें जो है भाई इसका एक सेंटर पॉइंट ढूंढ के वहां पे तुम्हें 4 टेम्पररी ब्लॉक्स लगाने हैं। और भाई फिर तुम्हें एक बार चेक भी कर लेना कि भाई ये सेंटर में लगे हैं या फिर नहीं। और भाई अगर तुम्हें एकदम परफेक्ट हो जाए तो भाई इसके बाद यहाँ पे जो है तुम्हें इसके ऊपर 2 लेयर और लगानी होंगी इन टेम्पररी ब्लॉक्स की, जैसे भाई इतना काम तुम्हारा रेडी हो जाए तुम्हें यहाँ पे इसके बीच की लेयर को रिमूव कर देना है पूरा। और इसको रिमूव करते यहाँ पे तुम्हें अपने जो है लेने हैं भाई फेंस गेट। और भाई तुम्हें उन फेंस गेट को भी प्लेस करना स्टार्ट कर देना जिस तरीके से यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। भाई जैसे तुम्हारे यहाँ पे फेंस गेट प्लेस हो जाए तो मैं यहाँ पे अपने टेम्पररी ब्लॉक्स को रिमूव कर देना है। और उनको रिमूव करते ही तुम्हें यहाँ पर जो है अपने जितने भी फेंस गेट है इन सबको ओपन कर देना है। और भाई याद रखना तुम्हें सारे फेंस गेट को ओपन करना पड़े। तो गाइस अब जो है तुम्हें भाई इन वाली फेंस गेट्स के बीच में डालना है एक लावा बकेट। और भाई अगर तुम लोग पॉकेट एडिशन के अंदर खेल रहे हो तो भाई तुम सबके लिए एक टिप है कि भाई तुम लोग यहाँ पे सिंपली एक पिलर बनाओ, पिलर के ऊपर भाई तुम लोग क्राउच हो जाओ। भाई क्राउच होकर तुम लोग यहाँ पे इजिली लावा बकेट को यहाँ पे प्लेस कर पाओगे और तुम्हारा यहाँ पे जो किलिंग चैम्बर है भाई फुल्ली बन के रेडी हो जाएगा जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा है। तो गाइस अब भाई तुम्हें यहाँ पर जो है भाई 4 वाटर बकेट डालने होंगे 4 कॉर्नर्स के अंदर। और भाई जब तुम लोग इन सबको डाल रहोगे तो भाई तुम्हें पता चलेगा कि सेंटर में तुम्हारे ना 4 ब्लॉक्स बच जाएंगे जहाँ पे तुमने अपना किलिंग चैम्बर बनाया है। और अगर तुम्हारा ऐसा नहीं हो रहा मतलब कि तुमने कुछ गलती कर दी है। अब गाइस तुम्हें जो है यहाँ पे से 20 ब्लॉक्स डीप तक डिक करना होगा। एक लेयर गाइस हमने पहले कर दी तो ये दूसरी हो गई। बस तुम्हारे यहाँ पे 20 लेयर्स दिख होती है कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा जो कि एक बहुत ही ज्यादा गहरी टनल बन चुकी है। अब गाइस तुम्हें यहाँ पे जो है सिंपली एक काम करना है, तुम्हें अपना ना यहाँ पे एक एरिया बनाना है जहाँ तुम्हारा सारा भाई स्टोरिंग एरिया बनेगा और यहाँ पे तुम्हारी सारी लूट आके कलेक्ट हुआ करेगी। तो भाई पहले यहाँ पे तुम लोग सिंपली एक छोटा सा रूम बना लो। रूम रेडी होते भाई लगाओ यहाँ पे एक डबल चेस्ट। और भाई फिर तुम लोग जो है सामने जाने का एक रास्ता बना लो ताकि भाई तुम लोग आराम से जा सको। और भाई यहाँ पे ना एकदम परफेक्ट बना लेना, ये गलती से लग गया इसे हटा देता हूँ मैं। अब गाइस तुम्हें यहाँ पे जो इसके पीछे जाकर यहाँ पे इस वाले चेस्ट के पीछे लगाने होंगे 4 हॉपर्स जो कि एकदम सिंपल सा काम है भाई। तुम्हें सिंपली क्राउच होना है और तुम्हारे यहाँ पे 4 हॉपर लग के रेडी हो जाएंगे। ये लास्ट हॉपर इसको लगा देता हूँ मैं। और इसको लगाते ही यहाँ जो है तुम्हें लगाने 4 डर्ट के ब्लॉक और उन 4 डर्ट ब्लॉक के ऊपर की तुम्हें जो है लेयर को हटा देना है शवल की मदद से। इसके बाद तुम्हें भाई 2 ब्लॉक ऊपर लगाने और तुम्हारा कलेक्शन रेडी हो चुका है। बस सिंपली ना भाई यहाँ से ना एक बाहर आने जाने का रास्ता भी बना के रेडी कर लो जो कि एक ज्यादा बड़ा काम नहीं है, वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। तो मैं वो तुम्हें एक बार फास्ट तरीके से दिखा देता हूँ। अब इतना रेडी होते ही तुम्हें भाई इस वाले फार्म के चारों तरफ भाई ट्रैप डोर लगा के उन्हें बंद भी कर देना है। और भाई यहाँ तुम लोग कोई सा भी ट्रैप डोर यूज कर सकते हो जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो। तो गाइस ये पार्ट थोड़ा टिपिकल है भाई, तुम्हें यहाँ पर जो है फार्म के सेंटर के पास जाना है और यहाँ जो है तुम्हें एक लगाना होगा पिलर जो कि भाई हमारा पूरा डर्ट का बनेगा। और भाई ये ना ट्रैप डोर के नीचे वाले ब्लॉक तक बनेगा। और भाई इसके बाद तुम्हें जो है यहाँ पे इसके सेंटर में जाना है जहाँ हमने लावा गिर रखा है और तुम्हें उसके ऊपर लगा देना है यहाँ पे 4 ग्लास ब्लॉक्स। और भाई यहाँ ग्लास के ब्लॉक्स लगाना, कुछ और मत लगाना, अदरवाइज भाई यही सही से वर्क नहीं कर पाएगा। और भाई जैसे तुम्हारा इतना काम हो जाए तुम लोग भाई 2 ब्लॉक्स को रिमूव कर दो कुछ इस तरीके से। और भाई यहाँ जो है तुम्हें ना अब लेना है बेड और साथ में कोई सा टेबल जो कि भाई विलेजर को जॉब दे सके। तो भाई यहाँ ना मैं सिंपली एक व्हाइट कलर का बेड लेने वाला हूँ जिसको मैं भाई यहाँ पे सेंटर के 2 ब्लॉक पे प्लेस कर दूंगा और साथ में भाई यहाँ मैं कंपोस्टर को प्लेस भी कर दूंगा। और फिर जो है भाई मैं इस पूरे ग्लास के एरिया को एक रूम में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे भाई ये रूम में कन्वर्ट हो जाएगा अब सिंपली गाइस हमें जो है यहाँ पे एक आयरन गोलम को स्पॉन करना है जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर अभी के लिए यहाँ मैं एग का यूज कर रहा हूँ जो कि आयरन गोलम का एग है। इसके अलावा गाइस यहाँ जो है तुम्हें एक विलेजर को भी लेके आना पड़ेगा। और भाई उसके बाद जैसे तुम लोग इन दोनों चीजों को यहाँ पे ला दो इस वाले रूम के अंदर में
है तो मैं इस रूम को पूरा कवर कर देना है और बीच की एक लेयर को तुम्हें रिमूव कर देना है इस वाले रूम की। और भाई ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा और तुम्हारा फार्म मस्त तरीके से रेडी हो चुका है। अब भाई जैसे तुम लोग यहाँ पे बैड ओमन का इफेक्ट लेके आओगे तो भाई यहाँ जो है तुम्हारी रेड ट्रिगर हो जाएगी और रेड ट्रिगर होते ही यहाँ पर जो है कई सारे प्लेजर आने लग जाएंगे जो कि मैं तुम्हें ऊपर जाके दिखाता हूँ। और यहाँ देखो भाई कई सारे प्लेजर आएंगे जो कि भाई लगातार इस वाले चैम्बर के अंदर गिरते जाएंगे और नीचे जाके तुम्हारी लूट कलेक्ट होती जाएगी।